हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आई हूँ एक जू में जो कि मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद में वाकई है। और ये B17 मल्टी गार्डन सोसाइटी जो है वो करीब है न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने मेंशन कर दिया है इनका बोर्ड पे टिकट प्राइसेस क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। आप लोग ये रीड कर सकते हैं जो लोग यहाँ आना चाहते हैं। और टिकट प्राइसेस वगैरह तो चेंज होती रहती हैं बाय द टाइम, लेकिन ये जो मैं अभी वीडियो शेयर कर रही हूँ ये करंट टाइम के इनके रेट्स हैं। और इस ज़ू में जितने एनिमल्स बर्ड्स वगैरह हैं वो सब यहाँ मेंशन है इस बोर्ड पे, तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग शाम के टाइम पहुंचे थे और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। और बस हम लोग ज़ू में एंटर हो रहे हैं, सो स्टे विद मी। और ये एरिया B17 जो है ये काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ विज़िट किया था तो इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी इस एरिया में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है और इसके प्राइस भी जो है वो काफ़ी डबल हो गए हैं। प्राइस से मतलब ये कि प्लॉट्स वगैरह की प्राइसेस जो हैं घर की यहाँ पर डबल हो चुकी हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो आप कर सकते हैं। और इस एरिया में सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हॉस्पिटल, पार्क्स और मॉल्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, ब्रांडेड भी शॉप्स यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं अब। और ये एक बेस्ट प्लेस है बच्चों के लिए, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट, इनफैक्ट बड़ों के लिए भी, क्योंकि बच्चे खुश तो बड़े खुश। तो कौन कौन एग्री करता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फिशेस को जो है वो फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ लोग जो आए हुए हैं विजिट पे वो मछलियों को दाना डाल रहे हैं, तो देखिए कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, सुभान अल्लाह। और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ज़ू है, मतलब ये है तो ज़ू लेकिन बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं थी जैसे मोस्टली ज़ू वगैरह में होती है, लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन ज़ू है ये। तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ।
और यहाँ पे कैफेटेरिया भी है जो कि पांडा कैफ़े के नाम से है, तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से चिल कर सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं और बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं अपना फैमिली टाइम। और यहाँ पे लाइन से बहुत सारे केजेस बने हुए थे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स थे।
और अब हम लोग जा रहे हैं बर्ड्स एवियरी में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा केज टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है और बर्ड्स बिल्कुल अंदर खुले हुए हैं, कोई बंद नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरह के, डिफरेंट तरह के पीकॉक्स थे और डक्स थी, हैंस थी, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी इस तरह की हैंस वगैरह, जो अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो। और इस ज़ू की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वैसे तो आप गूगल भी कर सकते हैं लेकिन ये कि मैं फिर भी दे दूंगी। और आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए, जो लोग इस्लामाबाद पिंडी से हैं या जो लोग इस्लामाबाद पिंडी से बाहर से हैं, वो भी जब कभी उनका आना हो तो ज़रूर बच्चों के साथ आइए और एक्सप्लोर कीजिए, बहुत खूबसूरत जगह है ये।
और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा ज़ू है और इसमें बहुत डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो बस आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए मेरी वीडियोस, शेयर करते रहिए। इस टाइम मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग यहाँ शाम में आए थे और अब यहाँ मगरिब होने वाली थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें यहाँ एक्सप्लोर करते हुए, देखते हुए, विज़िट करते हुए। तो काफ़ी बड़ा पार्क, ज़ू पार्क है ये, और आप लोग देख सकते हैं कितने सारे एनिमल्स, बर्ड्स हैं यहाँ पे मौजूद। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।